सो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग में गाइज आप लोग को बताने वाले हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो गाइज आप लोग को आज के वीडियोस में बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी कि हम लोग काम कैसे करते हैं। जैसे कि अगर आप कंपनी में जाते हो तो कैसे काम मिलते हैं और आपको करना क्या पड़ता है, ठीक है? तो चलो आज के वीडियोज़ में आप लोग को एक एक चीज़ बताएंगे। इस वीडियोज़ को जितना हो सके गाइज शेयर करने के लिए तो नहीं बोलूँगा, देखना, लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर आए हो तो, ठीक है? चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कंप्यूटर और सब क्या है, कैसे मिला है, क्या क्या मिला है कंपनी की तरफ से, वो मैंने आपको पहले के वीडियोस में बता रखा है। और जैसे ही आप कंपनी में जाते हो, टीम ज्वाइन करते हो, तो सबसे पहले आपका स्क्रम होता है। स्क्रम क्या है, कैसे होता है, इस पर भी हमने डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, आप जा करके वो वीडियोज़ देखना एक बार, ठीक है? आपको स्क्रम के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। आज की वीडियोज़ में बस हम लोग देखेंगे कि काम क्या मिलता है, कैसे मिलता है और कैसे करते हैं। सो मैं स्क्रीन पे आ चुका हूँ गाइस और शेयर करूँगा बहुत जल्दी। शेयर क्या करूँगा, कैमरा घुमाऊँगा मैं, ठीक है? अरे यार इतना गाना ये लोग बजा रहे हैं ना सुबह से, जो भी यहाँ के कुक हैं बिना गाना बजाए वो लोग रहते नहीं हैं गाइस। तो मैं सबसे पहले लॉगिन कर लेता हूँ अपने सिस्टम में, उसके बाद आप लोग को शेयर करता हूँ। तो लॉगिन कर लिया हूँ। तो देखो गाइस अभी काम जो मिलता है ना, सब कंपनी में पता नहीं अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ का जो रूल है वो क्या होता है कि आपके जो टीएल होता है, ठीक है, टीम लीडर जिसको कहते हैं, वो आपको काम असाइन करते हैं कि आज आपको ये काम करना है, ठीक है? तो जैसे ही स्क्रम होता है तो सब आपको बताना होता है पहले कि आपने कल क्या किया, आज क्या करने वाले हो, ठीक है? अगर कोई पेंडिंग वर्क है तो, अगर टीएल के पास आपके लिए कोई काम होगा कि आपको ये काम करना है, तो वो उसी टाइम आपको बोल देंगे कि ये टिकट नंबर है और ये काम है, आपको ये करना है, ठीक है? ये टीएल का काम होता है। और मुझे जो आज मिला है बग, वो मिला है कि किसी अब तो पूरा प्रोजेक्ट समझाना पड़ेगा यार। एक मान लो कि सर्टेन कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि उसका जो टाइटल हेडर हो रहा है ना, कि वो प्रोजेक्ट का जो टाइटल होता है ना सबसे ऊपर में जो हेडिंग जो आता है ना, वो क्या हो रहा है कि वो गायब हो गया है। पहले आ रहा था, अब गायब हो गया है। तो वो मेरे को फाइंड करना, ये बग है, इसको आप कंप्लीट ये नहीं कह सकते कि आपको बड़ा सा प्रोजेक्ट मिला है, ये छोटा सा बग मिला है। अभी मैं साइड बाय पैरेलली एक काम और कर रहा हूँ कि एक दूसरा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, उसको स्क्रैच से डेवलप करना है और डेवलप करके फिर आगे तक लेके जाना है, ठीक है? तो गाइज वो काम है मेरा। और ये जो प्रोजेक्ट है गाइज, हम लोग जिस पे काम कर रहे हैं वो दो टेस्ट में होते हैं। एक जो होता है वो होता है AWS, जिसको कि नेक्स्ट जेन क्लाइंट भी बोलते हैं। दूसरा होता है DC, DC वालों के लिए अलग होता है और इस AWS वालों के लिए अलग से हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है? तो वही डिजाइनिंग वाली पार्ट है। तो अब वहाँ पे पता नहीं वो जो टाइटल हेडर है वो गायब किससे हो गया, कहाँ पे कौन सा कोड इधर से उधर हो गया, हो सकता है इसकी वजह से कुछ आया हो एरर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिबग करेंगे। तो वो मेरे को वो टाइटल हेडर को अभी जो भी प्रॉब्लम आया उसको ट्रबल शूट करना है। तो आज मेनली उसी को हमें क्या करना है, फाइंड करना है, उसी प्रोजेक्ट का जो टाइटल है उसी को हमें आज फाइंड करके जल्दी से उसको रिजॉल्व करना है। तो गाइज मैं कल से काम कर रहा था, वो मेरे को वो एरर मिल नहीं रहा था, बहुत मैंने कोशिश करा है, देखता हूँ आज क्या होता है। तो आप लोग भी उम्मीद करते हैं बहुत लोग अलग अलग जगह पर काम कर रहे होंगे और सबके साथ ऐसा प्रॉब्लम आता होगा, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि आप अगर फ्रेशर्स हो तो आपको काम, बड़े काम नहीं मिलेंगे, बड़े काम भी मिलते हैं और बड़े के साथ साथ छोटे काम भी आपको करने होते हैं, ठीक है? तो ये दिमाग से निकाल दो कि आप फ्रेशर्स हो तो आपको लोड नहीं दिया जाएगा। दिया जाएगा भाई, लोड खतरनाक लोड मिलता है इधर तो। कभी कभी तो मन करता है यार सब कुछ छोड़ें, चलो घर पर मस्ती करता है, लेकिन फिर याद आता है कि घर चले गए तो फिर तो रोजी रोटी ख़त्म ना, तो काम तो यही करने पड़ेंगे। तो देख लो गाइस यही होता है। आप लोग कमेंट करना, ठीक है, कौन से डोमेन पे आप लोग काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो लोग, और आप लोग को कितना प्रेशर झेलना होता है अगर कंपनी में हो तो, ठीक है? नहीं हो तो अभी आप लोग को करना क्या है, अभी आप लोग को रिज्यूमे बनाना है, बार बार अलग अलग कंपनी में जाके अप्लाई करना है, ठीक है? ठीक है गाइस, तो चलो अब स्क्रीन शेयर करने की टाइम, स्क्रीन टैप फ्लिप कर देता हूँ यार, ये इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो ये इसको हटाओ, ये भी कोई काम करनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक नाम आना चाहिए था हेडर, वो नहीं आ रहा है,
उसके लिए अभी चेक करना है अपन को कि कैसे आएगा, ठीक है। बाकी मैंने कंसोल और सब एरर और सब देख लिया है, ये अभी मैंने अपने लोकल में इसको हिट करके देखा है। तो गाइस यहाँ पे रिपोर्ट आईडी के नीचे यहाँ पे एक हेडर आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा है, बाकी सारा कुछ सही काम कर रहा है आई होप। हाँ ठीक है, ये बटन भी ठीक काम कर रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिपोर्ट आईडी नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, काम करना होगा। अगर मैं यहाँ पे हार्ड कोड, बहुत लोग बोलोगे भाई यहाँ पे हार्ड कोड ही कर दो, अगर मैं यहाँ पे हार्ड कोड कर दूँ तो ये इस रिपोर्ट के लिए ही वैलिड होगा, मतलब इस प्रोजेक्ट के लिए ही वैलिड होगा। अगर कोई दूसरा अगर आ जाए तो उस पर भी वही नाम से होगा अगर हार्ड कोडेड होगा, तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगर यहीं तो एक रिपोर्ट होता तो देखा जाता, लेकिन अभी तो बहुत सारे आएंगे ना प्रोजेक्ट, सब पे काम करने होंगे, तो सब पे एक ही रिपोर्ट आईडी नहीं होनी चाहिए ना, तो वही प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं इसको फिक्स करता हूँ, फिक्स करने के बाद आपको बताऊँगा कि क्या इसमें एरर था, और उसके बाद अपन देखेंगे, ठीक है, कैसे फिक्स किया मैं एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को। और गाइज ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती हैं, डेटा ऐसे नहीं लीक करना चाहिए किसी भी कंपनी में। अगर आप काम कर रहे हो तो इस तरीके की वीडियोज़ आप लोग भी ना बनाना, क्योंकि ये सब पॉलिसी के बाहर होता है। तो मैं कुछ ज़्यादा डिटेल आप लोग को नहीं दिया हूँ, बस थोड़ा सा नॉलेज के लिए मैं शेयर किया हूँ, इसके कोडिंग पार्ट मैंने शेयर नहीं करा, और हो सकता है मैं बस आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा कि ऐसे ऐसा किया तो ये रिजॉल्व हो गया, ठीक है, लेकिन ये बस आप लोगों के लिए मैं इतना कर रहा हूँ। तो गाइज़ प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत से लोग चैनल अनसब्सक्राइब कर रहे हो, क्यों गाइज़ चैनल को अनसब्सक्राइब करके मत जाओ, क्योंकि जो भी वीडियोस बनाएंगे आप लोग के लिए अच्छे के लिए और सही पॉइंट ऑफ व्यू रख करके बनाएंगे, ठीक है गाइस, जो आप लोग को आगे चल के कुछ काम भी आएगा। तो इसीलिए चैनल छोड़ के आप लोग को नहीं जाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करनी चाहिए, वीडियोस को लाइक करना चाहिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना चाहिए, ठीक है गाइस। तो चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में, ज़्यादा लंबा वीडियोज़ नहीं बनाते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में, तब तक के लिए टाटा बाय गाइस।